जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अधिक उत्पादन के कारण सरसों की कीमत गिर गई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सरसों के तेल की कीमत केवल जनता को दोषमुक्त कराने के लिए कम की जा रही है तो आप गलत हो सकते हैं। कीमतें क्यों गिर रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता की क्रय शक्ति में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में बिक्री पहले की तुलना में कम हुई है और इन बिक्री को बढ़ाने के लिए बड़े व्यवसायों को बाहर निकालने की अनुमति देने के लिए कीमतों में कटौती की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में सरसों तेल का थोक भाव करीब 134 रुपये प्रति लीटर है। एमआरपी की पिछली 10 रुपए की कटौती के बाद सरसों तेल की कीमत घटकर 194 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यदि कोई तेल उत्पादक सरकार के आदेश का पालन करता है और अपनी एमआरपी 15 रुपए कम करता है तो 1 लीटर सरसों तेल की कीमत 175 से 180 रुपए होगी। साथ ही बता दें कि भारत पाम तेल के आयात का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। भारत के सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन यानी सी के महासचिव ने कहा कि पिछले महीने खाने पकाने के तेल की कीमत 300 रुपए से 450 रुपए प्रति टन घट गई है। इसी वजह से कंपनियां जल्द ही तेल की कीमतों में कटौती की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।